तारीख 3 मार्च 2019, आम चुनावों की तारीखों के ऐलान से लगभग हफ्ते भर पहले का वक्त। जगह अमेठी यूपी, जहां की रियासत के राजा रणंजय सिंह के कहने पर इंदिरा ने बेटे संजय को 1977 में अमेठी लोकसभा का पर्चा भरवाया था, और जिसके बाद अमेठी और गांधी परिवार कमोबेश एक दूसरे के पर्याय हो गए। जो सीट इंदिरा ने छोटी औलाद के डेब्यू के लिए चुनी, वही सोनिया ने भी, इसके मौजूदा सांसद राहुल गांधी। और इसी अमेठी के कोरबा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद हुई रैली में मोदी के भाषण, और फिर अगले दिन यानी 4 मार्च को राहुल के ट्वीट के बाद से दोनों पक्ष मुखामुखम में लगे हैं। सब एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं। हमने सोचा लल्लन टॉप आज आसान भाषा में यही समझा दे कौन सच्चा, कौन झूठा और कितना। सबसे पहले जानते हैं कि दावा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोरबा का ये भाषण सुनिए। यहाँ जो काम शुरू होने जा रहा है वो 9 साल पहले होना चाहिए था। साल 2007 में अमेठी के कोरबा में उन्होंने, यानी कि राहुल गांधी ने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। तब बोले थे कि 2010 तक राइफल का उत्पादन शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। तब 3 साल तक पिछली सरकार ये भी तय नहीं कर सकी थी कि यहां क्या बनेगा। भवन निर्माण तो 2013 में शुरू हो सका। नरेंद्र मोदी के इस भाषण के अगले रोज राहुल गांधी ने ट्वीट किए। क्या कहा कांग्रेस अध्यक्ष ने? ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास 2010 में मैंने खुद किया था। पिछले कई सालों से वहां छोटे हथियारों का उत्पादन चल रहा है। कल आप अमेठी गए और अपनी आदत से मजबूर होकर आपने फिर झूठ बोला। क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? दो बयान सुने, अब तीसरा सुनिए। एंटर करिए अमेठी लोकसभा के पिछले चुनाव की रनर अप और मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी को। उन्होंने आज ताबड़तोड़ ट्वीट कर राहुल को झूठा बताया। स्मृति लिखती है, शिलान्यास नहीं सत्यानाश किया है आपने अमेठी में। झूठ कितने बोले अमेठी से, आज चलें फिर से उसका पर्दाफाश करते हैं। आपको डर इतना है कि अमेठी में विकास हो रहा है कि आपने ये देखने की तकलीफ नहीं उठाई कि कल कोरबा में जेवी का उद्घाटन हुआ है। इसके तहत भारत और रूस के बीच समझौता हुआ AK-203 राइफल के निर्माण का। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के दावे की धज्जियां उड़ाने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और इंडिया टुडे मैगजीन का सहारा लिया। अखबार और मैगजीन की रिपोर्टों के सहारे उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और ट्वीट किया कि अगर कोरबा में 2010 में आपने शिलान्यास किया तो 2007 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के संबंध में जो हुआ उस पर प्रकाश डालेंगे। तो फिर दावा, दावा और उसकी काट में दावा। आखिरी से शुरू करते हैं, क्या छपा था उस वक्त अखबार और इंडिया टुडे मैगजीन में। 2010 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को रक्षा मंत्रालय से 2007 में मंजूरी मिली। अक्टूबर 2010 तक इसे कंप्लीट हो जाना था, लेकिन अगस्त 2010 में कैग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि जगह के गलत चुनाव और मॉनिटरिंग ठीक ना होने से प्रोजेक्ट का काम धीमा है। फैक्ट्री के लिए 60 एकड़ जमीन की जरूरत थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने कोरबा में सिर्फ 34 एकड़ जमीन की पेशकश की। अगस्त 2010 तक बाकी जमीन का अधिग्रहण तक नहीं हुआ था। फिर स्मृति ईरानी ने जिस इंडिया टुडे की रिपोर्ट का जिक्र किया उसके बारे में बात कर ले। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2010 में ही CAG ने सरकार से कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तत्काल समीक्षा की जरूरत बताई थी। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फैक्ट्री की बिल्डिंग खाली है, यहां हथियारों के उत्पादन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो आपने 3 बातें सुनी और 2 रपटें सुनी। क्या है सच्चाई? पहली बात तो ये कि राहुल ने ट्वीट में गलत शब्द का इस्तेमाल किया और पूरा अर्थ ही बदल गया। उन्होंने लिखा कि 2010 में शिलान्यास किया, जबकि 2010 में उन्होंने उद्घाटन किया। शिलान्यास तो 2007 में ही कर दिया था। सच्चाई क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बजट 2007 में अलॉट हुआ, तब PM मनमोहन थे और MP राहुल गांधी। जमीन की बात भी सही है कि जितनी जरूरत थी उतनी नहीं मिली, और ये भी सही है कि अगले 3 साल में यानी उद्घाटन के बाद 2013 तक यहाँ कुछ खास काम नहीं हुआ। स्थानीय पत्रकारों की माने तो 2013 से इंसास राइफल बननी शुरू हुई और इसके अगले साल आ गई मोदी सरकार। मोदी सरकार ने रूस के साथ बातचीत शुरू की बंदूकों के लिए। हमारे पास बंदूकें हैं AK-47, लेकिन इसका हमें लेटेस्ट वर्जन चाहिए था जिसे बोलते हैं AK-2003। अक्टूबर 2018 में जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन इंडिया आए तो प्रोजेक्ट का ऐलान हो गया। तय हुआ कि इंडो रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड अमेठी के कोरबा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इन राइफलों को बनाएगी। ये एक नया प्रोजेक्ट है और इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चलते चलते स्मृति ईरानी के एक और ट्वीट का जिक्र। एक तस्वीर है इसमें, शिलान्यास का एक और पत्थर। रायबरेली के तत्कालीन कांग्रेसी सांसद, तत्कालीन राव सरकार में पेट्रोलियम मंत्री और गांधी परिवार के खास
कैप्टन सतीश शर्मा ने साल 1996 में अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि रायबरेली जहां से अब सोनिया एमपी हैं, वहां पर नेशनल पेट्रोलियम टेक्निकल स्कूल का शिलान्यास किया था। इसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, एक भी पत्थर नहीं जुड़ा। वैसे हो बहुत कुछ रहा है। राहुल गांधी पूरे देश में मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी के मंत्री राहुल को उनके ही गढ़ में। आगे आगे देखिए होता है क्या।